एवरी वन मोस्ट वेलकम सो पिछले क्लास में हम सभी ने अकाउंटिंग रेशियोज़ के बेसिक को समझा था एंड इन टूडेज क्लास वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ लिक्विड रेशियो ओके तो हमने चार तरह के रेशियो के बारे में जानना था पिछले क्लास में तो so, हमारा लिक्विड रेशियो जो है वो हमने स्टार्ट कर लिया था और आज के क्लास में हम सभी उस लिक्विड रेशियो को ही कंटिन्यू करेंगे ओके okay? सो so, मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो लिक्विड रेशियो का ठीक है तो आज की क्लास में लिक्विड रेशियो को समझेंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेस्ट स्टार्ट सो एट फर्स्ट जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी वो मैं अपनी बुक से ले रही हूँ ठीक है uh, तो चलो सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मेरा बुक जो है ना वो देखो दिस इज दैट मच हैवी ये बहुत हैवी है सो so दैट मैं बुक को बताना तो मुझे है ही तो चलो आपको क्वेश्चन तो बोर्ड पे दिखेगा सो द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो मतलब इसमें जितने भी पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं इनसे आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है ओके okay? सो so, क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं देखो आपके इन्वेंट्री दिए हैं डेटर्स बिल रिसिवेबल इन एडवांस टैक्स कैश इन हैंड क्रेडिटर्स बिल पेबल्स बैंक ओवरड्राफ्ट ओके ये आपका एन बुक का क्वेश्चन है ठीक है एंड चलो सॉल्व करते हैं तो इसमें देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है ओके okay? सो so, सबसे पहले तो ये देख लो हमें कि करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है तो करेंट रेशियो के बारे में हमने समझा था कि इसमें होता है हमारा करेंट एसेट्स बाई करेंट लाइबिलिटीज ओके मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इससे आपको शॉर्ट में आप सी ए बाई सी एल लिख सकते हो और इसे आप सी आर बोलोगे ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन में देखो जितने भी पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं इसमें आपको करंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज सारे दिए हुए हैं तो आपको सारी चीज़ों को तो दिखाना ही पड़ेगा तो एट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस ओके करंट रेशियो सॉरी करंट एसेट्स तो करंट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं तो देखो करंट एसेट्स क्या होते हैं वैसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे बिजनेस में हैं जिनको आप शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो दे आर ऑल कॉल्ड करंट एसेट्स ओके सो लुक हियर हियर इज इन्वेंट्री तो करंट एसेट्स में आपका इन्वेंट्री जाएगा प्लस मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ देन है आपका डेटर्स तो यस डेटर्स को भी आप शॉर्ट में चेंज uh, मतलब चेंज कर सकते हो कम समय में ही ठीक है डेटर्स देन आपका है बिल रिसिवेबल now it's advance tax also plus uh, here is cash in hand cash in hand is also a short uh, sorry short term assets or you can also say it current assets okay so cash in hand because ye to hum cash mein hi rehta hai to ye current assets to hoga hi okay Now, अब देखिए जो आपके पास हैं creditors, बिल payable, एंड bank overdraft ये आपके current liabilities हैं तो बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है ये current inventory में देखो फिफ्टी थाउजेंड है फिफ्टी थाउजेंड लिख दोगे प्लस डेटर्स आपके फोर्टी थाउजेंड के हैं फोर्टी थाउजेंड लिखोगे बिल रिसीवेबल इज ऑफ टेन थाउजेंड रुपीज़ राइट टेन थाउजेंड एडवांस टैक्स इज ऑफ फोर थाउजेंड रुपीज़ यू विल राइट फोर थाउजेंड एंड कैश इन हैंड इज़ ऑफ थर्टी थाउजेंड रुपीज़ यू विल राइट थर्टी थाउजेंड रुपीज़ नाउ अब इसे आप ऐड करोगे तो फिफ्टी और फोर्टी नाइनटी एंड वन लैख वन लैख फोर थाउजेंड एंड वन लैख थर्टी फोर थाउजेंड रुपीज़ ओके सो हेर करेंट एसेट्स का वैल्यू आपका कितना आया है थर्टी फोर थाउजेंड वन लैख थर्टी फोर थाउजेंड रुपीज ओके ना यू ऑल हैव टू कैलकुलेट करंट लाइबीज मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ देखिए करंट लाइबिटीज में इसके आपके इसमें ना आपके पास तीन ही चीज दिए हुए हैं एंड दे आर क्रेडिटर्स प्लस बैंक बिल्स पेबल प्लस बैंक ओवर ड्राफ्ट ओके सो हियर क्रेडिटर्स द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इज थर्टी थाउजेंड रुपीज राइट थर्टी थाउजेंड प्लस बिल पेबल्स इज फोर्टी थाउजेंड रुपीज एंड बैंक ओवर ड्राफ्ट इज फोर थाउजेंड रुपीज़ ओके नाओ कैलकुलेट एड इट फोर्टी और थर्टी वॉट सेवेंटी एंड फोर सेवेंटी फोर थाउजेंड रुपीज़ दिस इज करंट सॉरी इट इज़ करेंट डायबिटीज़ ओके नाव यू ऑल हैव टू पुट दिस इन योर दिस फार्मूला ठीक है क्योंकि हमें यही तो कैलकुलेट करना है करेंट रेशियो ही तो कैलकुलेट करना है ओ सॉरी क्रेडेटर्स इज यर सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ ओके सो विल राइट सिक्सटी नाओ अब हमारा ये चेंज हो जाएगा बिकॉज क्रेडेटर्स तो हमारे सिक्सटी थे तो सिक्सटी एंड फोर्टी वन लैख एंड इट इज़ वन लैख फोर थाउजेंड रुपीज़ नाउ ओके ओके करेक्ट इट अब हमें जो है ना इसे यहाँ पे बेस इस पर बैठाना है देखो करंट एसिड्स हमारा कितना है वन लैख थर्टी फोर थाउजेंड रुपीज़ वी विल राइट वन लैख थर्टी फोर थाउजेंड रुपीज़ बाई करेंट लेटीज इज वन लैख फोर थाउजेंड रुपीज़ ऑनली वी विल राइट वन लैख फोर थाउजेंड रुपीज़ एंड यू ऑल हैव टू कैलकुलेट इट इसे आप डिवाइड कर दोगे यू विल गेट सिक्सटी सेवन रेशियो फिफ्टी टू और यू कैन राइट इट वन पॉइंट टू नाइन रेशियो वन ओके यू ऑल हैव टू मतलब इसे जो है ना आपको शॉर्टेस्ट टर्म में कर लेना है ठीक है सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर अंडरस्टैंड तो बस इतना ईजी है ये लिक्विड रेशियो अंडरस्टैंड बस इसमें आपको समझना है कि आपको कैसे मतलब इसमें बस एक ही चीज़ है कि आपको पहचानना होगा कि करंट एसेट्स क्या है करंट लेब्रिटीज़ क्या है समझे इफ आप अगर करंट एसेट्स और करंट डायबिटीज़ को समझ जाते हो सीख जाते हो पहचानने लग जाते हो देन आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो मैंने बोला ना ये ईजिएस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ओके सो आई होप यू गेट इट एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं अदर क्वेश्चन इज अगेन ऑन योर बोर्ड सो क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो ये जो आपका है उसे कैलकुलेट करना है करंट रेशियो एंड यू कैन से यू कैन सी इट दैट हेयर इज़ टोटल एसेट्स यहाँ पे आपको टोटल एसेट्स गिवन है शेयर होल्डर्स फंड देन करेंट लाइबीज एंड नन करेंट एसेट्स ओके वट वी नीड वी नीड करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिटीज एंड यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या क्या, क्या गिवन है मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेती हूँ फर्स्ट थिंग इज टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स ऑफ रुपीज एंड नाउ इट्स शेयर होल्डर्स फंड एंड इट्स 60,000 rupees and now non-current liabilities and it's of 20,000 rupees and non-current assets and it's of 50,000 rupees. okay? Huh. okay. सो so हेयर आपको एक थोड़ा सा छोटा सा चीज समझना है जो भी आप पहले पढ़े थे आप यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करोगे कि ये चीज हुआ कैसे ठीक है लुक हेयर देर इज टोटल एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स तो हम हमें पता है कि करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स ठीक है करंट एसेट्स में आपके बिल रिसवेबल्स कैश इन हैंड बैंक कैश इन हैंड वगैरह आते हैं वेर इज नन करेंट एसेट्स में आपके फिक्स्ड एसेट्स वगैरह आ जाते हैं ठीक है सो ये नन करेंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स यही होता है एसेट्स दो तरह के होते हैं एक तो नॉन करेंट और एक करेंट ठीक है करेंट में आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स आ जाते हैं जो कम समय में आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो एंड नॉन करेंट में आपके फिक्सड एसेट्स वगैरह आ जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपने देखा कि करंट एसेट्स आपका नहीं नहीं गिवेन आपको यही तो निकालना है तो क्या अगर इन इन दोनों को मान लो कि करंट एसेट्स हमने इधर ही छोड़ दिया तो टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स करोगे तो नहीं निकलेगा क्या बिल्कुल तो हमें इन दोनों को माइनस करके करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लेना है ओके सबसे पहले यू विल राइट हेअर सॉल्यूशन एंड करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स जो हैं इसमें हम माइनस करेंगे नॉन करंट एसेट्स ओके टोटल एसेट्स uh, एक लाख रुपीज का है तो वन लाख लिख देंगे नॉन करेंट एसेट्स इज ऑफ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ऑनली सो विल राइट हियर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज एंड ये आपका बनेगा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ओके तो करंट एसेट्स तो मिल गया अब हमें क्या चाहिए करंट लाइबिलिटीज सो वी विल फाइंड हेयर करंट लाइबिलिटीज लुक हेयर इज शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज ओके सो वट यू थिंक लुक इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे आपको टोटल लाइब्रिटीज़ नहीं दिया हुआ है ओके okay? ये जो शेयर होल्डर्स फंड होता है ये भी आपका नन करेंट लाइब्रिटी ही है ठीक है मतलब ये भी लॉन्ग टर्म लाइब्रिटी है शॉर्ट uh, टर्म नहीं है अगर ये शॉर्ट टर्म होता तब ये करेंट लाइब्रिटीज़ के अंदर आता बट ये क्योंकि शॉर्ट टर्म है इसीलिए ये भी आपका करेंट लाइब्रिटीज़ में इंक्लूडेड नहीं है और ये नन करेंट लाइब्रिटीज है तो आपको अगर टोटल लाइब्रेटीज पता होगा तभी तो उसमें से नन करेंट को हटाओगे तो जो बचेगा वो करंट होगा तो यहां पे तो आपको टोटल लाइब्रिटीज ही नहीं पता है है ना तो ये यह आप यहां पे क्या करोगे तो इन दिस सिचुएशन ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एसेट्स इक्वल टू लाइब्रिटीज एसेट्स इक्वल टू लाइब्रिटीज बोलो ये किसे किसे पता है बैलेंस शीट में एसेट्स इक्वल टू लाइब्रिटीज होता है ना एसेट्स और लाइब्रिटीज सेम होते हैं कि नहीं दोनों साइड होते हैं ना तो यस yes, यहाँ पे वही काम करना है यहाँ पे आपको जो टोटल एसेट्स दिया है वही तो टोटल लाइब्रिटीज भी होगा जस्ट थिंक टोटल एसेट्स जो है वही टोटल लाइब्रिटीज भी होगा ठीक है so, सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा यू विल राइट योर टोटल एसेट्स ठीक है क्योंकि इतना ही आपका टोटल लाइब्रिटीज भी होगा ओके नाउ इसमें अब आप नन करेंट को माइनस कर दोगे तो क्या अब जो बचेगा वो आपका करंट होगा नहीं क्योंकि इस टोटल सॉरी uh, इस टोटल लाइब्रिटीज में आपका नन करेंट लाइब्रिटीज भी शामिल है और ये शेयर होल्डर्स फंड भी शामिल है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है समझे आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स सो यहाँ पे टोटल लाइब्रिटीज कितने के हैं वन लाख रुपीज यू विल राइट योर माइनस नन करेंट नन करेंट लाइब्रिटीज ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज एंड शेयर होल्डर्स फंड सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ सो नाउ योर करंट लाइब्रिटीज इज ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ अंडरस्टैंड अब आप यहाँ पे uh, अब आप यहाँ पे करंट रेशियो निकाल सकते हो ठीक है करंट एसेट्स बाय करंट लाइब्रिटीज का फॉर्मूला से करंट इज़ ऑफ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज यूल राइट ये फिफ्टी थाउजेंड रुपीज एंड करंट लाइब्रिटीज इज ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ यूल राइट ये ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज एंड सॉल्व कर दोगे इट इज़ फाइव इज टू टू और यू कैन राइट टू पॉइंट फाइव इज टू क्योंकि हमें इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर देना है सो दू पॉइंट फाइव रेशियो अंडरस्टैंड मैंने आपको क्या बताया था कि करंट uh, रेशियो एक आइडल रेशियो तभी होगा जब उसका रेशियो जो है वो टू इज टू वन हो तो यहां पे तो टू पॉइंट फाइव इज टू वन है सो so क्या ये एक आइडल रेशियो है ये इट इज एन आइडल रेशियो ओके आई uh, होप कि आपको ये समझ में आ गया एंड ये तो हमारा करंट रेशियो का कुछ क्वेश्चन था अब चलो अब हम क्विक रेशियो के कुछ क्वेश्चन को समझते हैं ओके रेशियो के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही ना हमें एक क्वेश्चन और समझ लेना है जिसमें एक टर्म जो है वो आपको मिसिंग होता है और आपको उसको फाइंड आउट करना होता है ठीक है तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन के आने की भी संभावना होती है ओके सो द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लैबिलिटीज़ इज़ वन इंट फाइव इज टू वन सो आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि आपका रेशियो जो है करंट एसेट्स मतलब मतलब आपका करंट रेशियो जो है ना वो गिविन है यहाँ पे और वो है वन पॉइंट फाइव इज टू वन ठीक है जिसमें से आपका जो है वो करेंट एसेट्स गिविन है एंड करंट एसेट्स इज ऑफ सिक्स लाख रुपीज एंड करेंट लाइबिलिटीज इज ऑफ फोर थाउजेंड फोर लाख रुपीज ओके नाउ द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करेंट रेशियो टू इस टू वन मतलब फर्म का जो अकाउंटेंट है वो चाहता है कि ये रेशियो इतना ना रहकर टू इज टू वन हो जाए ठीक है क्या हो जाए टू इज टू वन लुक बाय पासिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ अ करेंट लाइब्रिटीज मतलब करंट लाइब्रिटीज जो है वो उसको पेमेंट करके मतलब जो भी लाइब्रिटी है उसे पेमेंट करके वो चाहता है कि रेशियो टू इज टू वन हो जाए ओके okay? नाओ कम्प्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लाइब्रिटीज़ दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशियो एट द लेवल ऑफ लेवल ऑफ टू इज टू वन मे बी मेनटेन मतलब अब वो पार्ट आपको कैलकुलेट करना है जिसमें कि जो करंट जिसमें यहाँ पर बात हो रही है ना इस क्वेश्चन में कि पहले रेशियो जो है वो फाइव इज टू वन था जिसमें से करंट एसिड सिक्स लाख था और करंट लाइब्रिटीज़ जो है वो फोर लाख रुपीज़ था ठीक है अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें बोल रहा है कि अब अकाउंटेंट चाहता है कि इस फोर लाख रुपीज़ को अगर हम कम कर दें कुछ पार्ट का पेमेंट कर दें तो हमारा रेशियो टू इस लेकिन कितना पेमेंट करेंगे ये हमें नहीं पता तो देखो लिखते हैं हम इसे सॉल्यूशन में लेट अमाउंट पेड फॉर लाइब्रिटीज लाइब्रिटीज का जो अमाउंट पे किया गया है वो है एक्स ठीक है मैथ्स वाला सॉल्यूशन याद करो रुपीज एक्स ठीक है वो एक्स रुपया है वो एक्स अमाउंट है जो आप इस करंट लाइब्रिटीज में से घटा दोगे पे पे कर दोगे मतलब लाइब्रिटी को तो जो बचेगा वो वाला अगर फॉर्मूला उसका फार्मूला अगर यूज करोगे तो आपका टू टू वन रेशियो हो जाएगा ठीक है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैची है और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा दैट्स वाई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू ओके सो इसे ध्यान से समझना एंड मे बी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ठीक है तो देखो अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में करंट रेशियो दिया हुआ है तो विल राइट योर करंट रेशियो अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ करंट यहां पे एक और आर है एसेट्स करंट करिटीज देखो पहले अभी रेशियो कितना है वन पॉइंट फाइव इज टू वन से अभी हमें कोई मतलब नहीं है कि अभी क्या कर क्या है करना क्या है ये ध्यान रखना है तो करना है टू इज टू वन मतलब करंट रेशियो आपको करना है टू बाई वन ओके और करंट एसेट्स आपका गिवन है सिक्स लैख तो सिक्स लैख बैठा दो ऐसे एंड करेंट लाइब्रिटीज़ इज़ फोर लाख तो फोर लाख ऐसे निकाल दोगे ठीक है नाउ अब यहाँ पे क्या करना है आपको क्या बोला गया कि लैब्रिटीज़ में एक पार्ट का पेमेंट कर देना है और वो पार्ट ही निकालना है मतलब एक्स ही निकालना है मतलब लैबिटीज़ फोर लाख रहे अगर सिक्स बाई फोर रखें हम ठीक है तो यहाँ पे तो टू इज टू वन नहीं होता है या तो वन पॉइंट फाइव इज टू वन होता है तो इसके इक्वल में इसे करने के लिए क्या करना होगा एक पार्ट का पेमेंट करना होगा तो वो पार्ट क्या है एक्स हमने यहाँ पे माना है ना एक्स है तो एक्स इसमें माइनस कर दोगे अब हमें पता है कि एसिड्स इक्वल टू लैब्रिटीज होते हैं

ख माइनस एक्स एनी प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो सो यहाँ पे आपका हो जाएगा एट लाख रुपीज़ माइनस टू एक्स इक्वल टू सिक्स लाख माइनस एक्स अब हमें क्या करना है x वालों को एक साइड कर देना है और नंबर वालों को एक साइड कर देना है देखो एट लाख है तो एट लाख इधर ही रहने देते हैं हम एंड इधर सिक्स लाख है इसे इधर माइनस कर दोगे इक्वल टू तो एक्स अब देखो ये एक्स इधर माइनस में है तो ये नेक्स्ट साइड हमारा प्लस में चला जाएगा ठीक है एंड यहाँ पे हमारा ये माइनस एक्स तो था ही नाव यहाँ पे हमारा टू लाख बचता है एंड यहाँ पे टू एक्स में वन एक्स चला गया तो ओनली एक्स मतलब अगर लाइबिटीज में से टू लाख रुपीज हम कम कर दे तो टू इज टू वन होते क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में अब चलो लिक्विड रेशियो को समझते हैं बिना टाइम वेस्ट काफी क्वेश्चन हमारे हो गए करंट रेशियो लिक्विड रेशियो से एक भी नहीं हुआ है तो पहले उसे भी सॉल्व कर लेते हैं ओके सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन तो करंट रेशियो खुद कैलकुलेट कर लेना लिक्विड रेशियो मैं बता रही हूँ सो हेयर कैश इन हैंड इन्वेंट्री डेटर्स बिल रिसिवेबल बैंक ओवर ड्राफ्ट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओके एंड बिल्स पेबल क्रेटर्स सो हमें क्या करना है यहां पर यू विल हैव टू कैलकुलेट करेंट रेशियो बाई योर सेल्फ एंड आई आई सॉल्व यर लिक्विड रेशियो ओके तो लिक्विड रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता हैसेट्स बाई करेंट लैबिलिटीज ओके लिक्विड एसेट्स बाई करेंट लाइबिलिटीज अब ये लिक्विड एसेट्स कहाँ से कैलकुलेट होगा सो लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट होगा करेंट एसेट्स से ओके सो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस क्वेश्चन में इन्वेंट्री दिया है तो आप उसे इन्वेंट्री को माइनस करोगे या फिर अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को आपको माइनस करना होगा अदरवाइज अगर एडवांस टैक्स दिया हुआ है तो एडवांस टैक्स माइनस करना होगा तो देख लेंगे इस क्वेश्चन में जो होगा उसे माइनस कर देंगे ठीक है so, सो यहाँ पे करंट एसेट्स कैलकुलेट करो पहले तो तो देखो करंट एसेट्स में क्या है कैश इन हैंड है एंड कैश इन हैंड का अमाउंट जो है वो फाइव है तो फाइव हंड्रेड लिख दो ठीक है सॉरी इट्स फाइव नाउ कैश इन हैंड आपका ये हो गया इन्वेंट्री आपको इसमें माइनस करना है तो बेटर है कि उसे ऐड ही ना करें बट कोई बात नहीं करंट एसेट्स कैलकुलेट पूरा ही कर देती हूँ सो दैट की कोई कन्फ्यूजन ना हो करंट एसेट्स या एसेट्स में आपका क्या आ जाएगा तो देखो आपको सबसे पहले फाइव हंड्रेड रुपीज़ का इन हैंड है दिया हुआ देन इवेंट्री टू था टू थाउजेंड रुपीज़ तो टू थाउजेंड लिखोगे देन है आपका डेटर्स फोर थाउजेंड रुपीज़ विल राइट फोर थाउजेंडेंड देन हेर इज़ बिल रिसबल ऑफ थ्री थाउजेंड रुपीज़ यू राइट थ्री थाउजेंड रुपीज़ प्लस बैंक ओवर ड्राफ्ट टू थाउजेंड रुपीज़ नो बैंक तो आपका करंट लाइब्रिटीज में जाता है ओके okay? तो यहाँ पे आपका ये हो गया है बिल रिसीवेबल डन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये भी आपका करंट एसेट्स में अभी कैलकुलेट होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए है और लॉन्ग टर्म के लिए तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये शॉर्ट टर्म के लिए ओके okay? तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला इन्वेस्टमेंट जो है उसे भी ले, ले लेते हैं देन है बिल पेबल्स एंड क्रेडिटर्स ठीक है तो उसे हम करंट उसमें लेंगे करंट लाइब्रेटीज में अब इन सबको ऐड करो सो यू विल गेट हेयर हेयर इज प्लस ओके सो हेयर विल गेट ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज ओके यहाँ पे आपका करंट एसेट्स ट्वेल्ल थाउजेंड रुपीज आता है तो यहाँ पे ट्वेल्थ थाउजेंड लिख दोगे अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस टैक्स वगैरह कुछ नहीं दिया ओनली इन्वेंट्री दिया है तो इन्वेंट्री को माइनस कर दो ऐसे भी अगर आपको लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करना था तो उस टाइम पे आप यहाँ पे ऐड नहीं करते ये इन्वेंट्री uh, तभी हो जाता बट ये एक प्रोसेस है इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ ओके सो हिर आपको जो है वो माइनस करना है इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री है आपका टू थाउजेंड रुपीज तो आपके पास बचता है टेन थाउजेंड रुपीज लिक्विड एसेट्स अब आपको करंट लाइब्रिटीज़ कैलकुलेट करना है तो करंट लाइब्रिटीज़ में कुछ है नहीं वैसे बैंक ओवर ड्राफ्ट है टू थाउजेंड रुपीज़ का एड कर दोगे देन यू हैव बिल्स पेबल फोर थाउजेंड रुपीज़ देन यू हैव थ्री थाउजेंड रुपीज़ ऑफ क्रेडिटर्स। नाउ आप इन सबको एड करोगे सो इट इज़ ऑफ नाइन थाउजेंड रुपीज़ तो नाइन थाउजेंड इसमें लिख देंगे चार पाँच छः सात आठ नौ एंड ये आपका नाइन थाउजेंड रुपीज़ आ गया है. अब देखो आपका लिक्विड एसेट्स जो है वो टेन थाउजेंड रुपीज़ का है टेन थाउजेंड लिख दोगे एंड करेंट लाइबिलिटीज़ जो है वो आपका नाइन थाउजेंड रुपीज़ का है यू राइट है नाइन थाउजेंड रुपीज़ एंड इसे सॉल्व कर दोगे तो आपके पास बचता है ओके वन ओके तो ये आपका आंसर हो जाता है ये आपका आइडियल रेशियो है या नहीं तो यस ये आइडियल रेशियो है क्योंकि हमारा लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो जो है वो वन इज टू वन होता है और यहाँ पे वन पॉइंट वन इज टू वन है मतलब एक जीरो पॉइंट वन तो अधिक है ना देट्स वाइट्स आइडियल रेशियो ओके सो ये था आपका लिक्विड एसेट्स का मतलब लिक्विड रेशियो ठीक है अब यहाँ पे ना आपको कुछ अमाउंट कभी कभी जो है वो आपको करंट रेशियो गिविन होगा और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट्स वगैरह दिए होंगे और उसमें से आपको सॉल्व करने को बोला गया होगा कि आपको कैलकुलेट करना होगा कि करंट लैबिटीज़ निकाल के आपको सॉल्व करना है क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो और और किसी क्वेश्चंस में तो करंट एसेट्स कैलकुलेट करना पड़ जाएगा ठीक है तो सीधा याद रखना अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप उस उसमें लर्न है और बेसिक मैथ्स आता है तो फिर तो आप उसे सॉल्व कर ही लोगे बहुत आसानी से समझे ऑल हमारा क्लास यहीं पर खत्म होता बिकॉज क्लास काफी लॉन्ग हो गया मैं नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा क्लास हो जाए बट क्वेश्चन दिखते गए और मैं सॉल्व करते गई पहले से मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था दैट्स वाइक क्लास लॉन्ग हो गया सो so, कोई बात नहीं आ, कुछ क्वेश्चंस को मैं आ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ बना के आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है so, सो वहाँ से कुछ वहाँ से कुछ सॉल्यूशन देख लेना और क्वेश्चंस भी देख लेना प्रैक्टिस भी कर लेना ठीक है अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो सॉल्वेंसी रेशियो के साथ में टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय अ गुड डे